नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। आज हम आपको प्रीग्रिड टेबल का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। पिछले जो पार्ट टू में आप देखे थे, इसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में हम आपको बताए थे कि प्रीग्रिड टेबल में किन किन वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनका कॉन्सेप्ट क्यों गलत हो गया, क्या क्या कॉन्सेप्ट था। चूंकि जिन वैज्ञानिकों का कॉन्सेप्ट गलत हुआ प्रीग्रिड टेबल में, उनके बारे में भी एग्जाम में सवाल पूछता है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी के पिता मोसले साहब हैं, इनके बारे में भी सवाल पूछता है, तो इसलिए वो जानना आपके लिए जरूरी था। बची बात इन सारे एलिमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, कौन किस वर्ग का है, कौन किस आवर्त का है, उसके लिए तो हम आपको ट्रिक ऑलरेडी बता चुके हैं, आपने पार्ट फर्स्ट में देखा होगा। आज हम आपको ये बताएंगे कि ये सारा एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, इसके गुण के आधार पर, इसके प्रॉपर्टी के आधार पे उसका उपनाम रखा गया है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कौन सा उपनाम है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में कैसे सवाल आता है, और आज उन सारी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप यहां गौर कीजिएगा, ये आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी बता चुके हैं कि फर्स्ट ग्रुप जो आपका है यह हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम वाला, तो फर्स्ट ग्रुप में कौन है, हाइलिना नाकर रब से फरियाद, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे हैं प्रीग्रिड टेबल का, वो पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। तो इस वर्ग का जो तत्व है, इस तत्व को कहा जाता है, उपनाम इसका रखा गया है क्षारीय धातु, यानी अल्कली मेटल। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर, इसमें ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन जो है ये एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन अपवाद है। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावे इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये टोटल का टोटल एलिमेंट्स क्या कहलाता है, क्षारीय धातु कहलाता है, अल्कली मेटल कहलाता है। दूसरा जो ग्रुप आपका है, इसको कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाता है, अल्कली अर्थ मेटल, यानी वर्ग दो का जो है, चाहे बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, एस्ट्रॉन्शियम हो, बेरियम हो, रेडियम हो, इन सेकेंड ग्रुप में जो भी आता है वो अल्कली अर्थ मेटल कहलाता है, क्षारीय मृदा धातु कहलाता है, क्योंकि ये क्षारीय मृदा बनाने में सपोर्ट करता है। ये क्षारीय धातु है, अल्कली मेटल है, चूंकि ये क्षारीय तत्व का निर्माण करता है इसलिए इसको क्षारीय धातु बोलते हैं। और हाइड्रोजन लेकिन अपवाद में है, हाइड्रोजन क्षारीय धातु नहीं है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, वो क्षारीय धातु नहीं है। बाद में इस ग्रुप का सारा क्या है, अल्कली मेटल है, और सेकेंड ग्रुप का क्या है, अल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। याद हो गया, प्रथम वर्ग के सभी तत्व क्या कहलाते हैं, अल्कली मेटल हाइड्रोजन को छोड़कर। सेकेंड वर्ग का क्या कहलाता है, अल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि वो क्षारीय मृदा का निर्माण करता है। ये जो वर्ग 13 आप देखते हैं, इस 13 को कहा जाता है बोरोन का परिवार। किसका परिवार, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट बोरोन है, तो क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग 13 जो है, इस वर्ग 13 को किस नाम से जाना जाता है, तो बोरोन परिवार के नाम से। वर्ग 14 जो है, इसको कार्बन परिवार के नाम से। वर्ग 14 को क्या कहा जाता है, कार्बन का परिवार। अब वर्ग 13 को क्या कहा जाता है, तो वर्ग 13 को कहा जाता है बोरोन का परिवार। वर्ग 13 को बोरोन का परिवार और वर्ग 14 को कार्बन का परिवार कहा जाता है। यह जो वर्ग 15 है, उसको कहा जाता है निकोजेन। गौर कीजिएगा, यह वर्ग 15 में कौन है, नेहा, प्रियंका, यशोरिया, सबकी बीबी, या फिर नाना, पापा, आंटी, सब बीमार। तो इस तरह का जो आपका ये 15 ग्रुप है, नाना, पापा, आंटी, सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसको कहा जाता है निकोजेन। ध्यान से सुनिएगा, नहीं याद होगा तो लिख लीजिएगा कॉपी में कि वर्ग 15 के तत्व को निकोजेन कहा जाता है। निकोजेन का शाब्दिक अर्थ होता है जहरीला पदार्थ बनाने वाला या उर्वरक बनाने वाला। तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जहरीला पदार्थ बनाता है, पॉइजन बनाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे वर्ग 15 के तत्व को निकोजेन कहा जाता है।
14 वाला को कार्बन का परिवार कहा जाता है, 13 वाला को बोरोन का परिवार कहा जाता है, ये 16 वाला जो तत्व है इसको कहा जाता है चेल्कोजेन, 15 वाला को निकोजेन क्योंकि ये जहरीला पदार्थ बनाता है, पॉइजन बनाता है, और 16 वाला को कहा जाता है चेल्कोजेन। चेल्कोजेन का मतलब होता है अयस्क निर्माण करने वाला। चेल्कोजेन का मतलब क्या हो गया? अयस्क निर्माण करने वाला। एकदम गौर से सुनिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा। 13 को बोरोन परिवार, 14 को कार्बन परिवार, 15 को निकोजेन क्योंकि यह जहरीला पदार्थ का निर्माण करता है, पॉइजन का निर्माण करता है, 16 को कहा जाता है ये चेल्कोजेन। 16 को क्या कहा जाता है? चेल्कोजेन। चेल्कोजेन का मतलब होता है अयस्क का निर्माण करने वाला। तो ये चूंकि अयस्क का निर्माण करता है इसलिए वर्ग 16 को चेल्कोजेन कहा जाता है। और 17 को कहा जाता है हैलोजन तत्व। क्या कहा जाता है? हैलोजन तत्व, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, फिर कल बाहर आई आरती, पहला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी पार्ट वन में, तो आपको ये तो याद है कौन कौन 17 ग्रुप में है, लेकिन उसके उपनाम नहीं याद थे, तो क्लियर हो गया इसका उपनाम क्या हो गया? हैलोजन, क्योंकि ये सब साल्ट बनाता है, लवणीय पदार्थ बनाता है, इसलिए इसको कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। और सबसे लास्ट में वर्ग 18 जो है इसको कहा जाता है ओक्रिय गैस। वर्ग 18 का ढेर सारा उपनाम है, ओक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, इनर्ट गैस। क्यों भाई? क्योंकि ये सब जो तत्व है ये जनरली किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है, अभिक्रिया ही नहीं करता है, इस साफ निष्क्रिय। कैसे हम लोग के समाज में भी एक ऐसा आदमी रहेगा जिसको कुछ कह दीजिए आप लेकिन वो ऐसे शांत होकर सुनते रहेगा, एकदम साफ न्यूट्रल निष्क्रिय, उसको कोई हर हर कचकच से मतलब नहीं होता है, तो वो आपका हो गया निष्क्रिय, ओक्रिय, इनर्ट गैस, जो जनरली किसी से अभिक्रिया नहीं करती है इसलिए उसको ओक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। और उसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। वर्ग 18 जो आपका है उसको शून्य ग्रुप भी कहते हैं। तो आपको जितना भी इंपॉर्टेंट ग्रुप था सबका उपनाम याद हो गया। फिर एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, वर्ग 1 को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 13 को बोरोन परिवार, 14 को कार्बन परिवार, 15 को निकोजेन ये जहरीला पदार्थ बनाने वाला, 16 को चेल्कोजेन अयस्क बनाने वाला, 17 को हैलोजन लवण बनाने वाला, और 18 को ओक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस या जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है। कोई कंफ्यूजन? याद हो गया होगा तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।